एक कैप्सूल है जिसकी शेप स्फीरिकल है, स्फीरिकल शेप है, तो कह रहे कि उसके अंदर कितनी मेडिसिन भरी जा सकती है वो बताओ। मीन्स हमें क्या करना है, उस स्फीरिकल कैप्सूल का वॉल्यूम निकालना है, मीन्स एक स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है। सीधी सी बात है स्टूडेंट, कोई भी सॉलिड हो, कुछ भी, कोई भी चीज हो, स्फीरिकल शेप में तो स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है, सीधी सी बात है। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3πr³। तो आर चाहिए हमें, आर तो दे ही रखा, उसमें क्या देगा, डायमीटर देगा 3.5 mm। तो हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, पहले उसकी रेडियस निकालेंगे, रेडियस कैसे निकालेंगे, डायमीटर का हाफ करते हुए। तो चलो फिर डायमीटर का हाफ करते हैं, कितना था हमारे पास डायमीटर 3.5 है, उसको क्या कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। ओके, तो डेसिमल को अगर हमें खत्म करना हो तो डिवाइडेड बाय 10 करना पड़ेगा। डेसिमल को मैंने खत्म कर दिया, 5 से कैंसिल हो रहा है, कर रहा हूं मैं, तो 7/4 mm, mm में एंड आता है इस बार, 7/4 mm। अब क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल कैप्सूल क्या आएगा भाई, 4/3πr³। 4/3 पाई की जगह क्या रखोगे, 22/7 इंटू में r³ मीन 7/4 7/4 7/4, तीन बार 7/4 लिखना भाई। ओके चलो, दो चीज कर दी उसको काट देते हुए, बहुत सॉरी, डिवाइडेड बाय 24.539 mm³, ये आंसर आ गया भाई हमारे पास। अगर आप चाहो तो इसको डेसिमल में बदल सकते हो स्टूडेंट्स, 539/24, अगर आप इसको डेसिमल में बदलोगे तो 22.45 mm³, ये आंसर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल के। हमने क्या किया स्टूडेंट्स, डायमीटर दे रखा था, उससे रेडियस निकाली, फॉर्मूले वैल्यू पुट की, हमारे पास आंसर आ गया। थैंक यू।